अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट पेजेस ऑन योर वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट। सो मैं अभी सबसे पहले आप उसी तरह अपने वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन करेंगे, थ्रू यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करेंगे। सेकंड, आप जब आप कस्टमर इसका डैशबोर्ड ओपन करेंगे, जैसे मैं अभी डैशबोर्ड वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, तो उसमें पेजेस क्रिएट किस तरह करने हैं। तो उसमें मैं आपको ये पेजेस का एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें ऑल पेजेस पे आप क्लिक करें। आपके पास जितने आपने वेबसाइट के अंदर पेजेस क्रिएट किए हुए हैं वो आपको सामने शो हो रहे हैं। अब मैंने थ्रू एलिमेंटर, बेसिकली एक एलिमेंटर प्लगइन है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके थ्रू मैंने ये सारे पेज प्लगइन है और एलिमेंटर पेज बिल्डर है, वो आपको पेज में बहुत हेल्प करता है, पेज क्रिएट करने में, डिज़ाइन करने में। बहुत सारे उसमें एलिमेंट्स ऐसे होते हैं उसके जो कि आपको बहुत ज़्यादा उसकी ग्राफिक्स हैं या उसकी डिज़ाइनिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। जब आप पेज को क्रिएट करना चाहते हैं तो पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल पेजेस और ऐड न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है। तो आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें। अच्छा, अभी मैं वेबसाइट विजिट करवा लेता हूँ, मैं अभी दिखा देता हूँ आपने। इसमें देख लें, होम अबाउट ऑनलाइन अप्लाइड सर्विसेज प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट पेज 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट इसमें 6 पेजेस क्रिएट हुए हैं। मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी। अब इसमें एक पेज डॉट में सेव है, एलिमेंटर 20718। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस हैं। तो अब आपने जो पेज क्रिएट करना है उसका आपने लाजमी बात है टाइटल नेम देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये पेज, आप स्टार्टर टेम्पलेट्स, बेसिकली स्टार्टर टेम्पलेट भी एस्ट्रा की एक प्लगइन है, पेज बिल्डर है, जिससे आप बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे टेम्पलेट्स मतलब चूज़ करके आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह एडिट विद एलिमेंटर भी है, तो आप अगर उसके थ्रू अगर चलना चाहते हैं तो उसके हिसाब से कर लें। तो आप अगर मैं अगर इसका नाम दे देता हूँ इस पेज का, लाइक शॉप, इसको यहाँ पे पब्लिश या स्केड्यूल कर दें, तो ये पेज आपके पास, ये देखिए, ये इसका परमलिंक्स है, देखें https://ggli.com, शॉप के नाम से पेज क्रिएट हो गया। अब आप इसको एडिट विद एलिमेंटर करना चाहते हैं या ऐसे ही मतलब आगे इसको वर्क नहीं करना चाहते, तो ये देख लें कि आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें शॉप का पेज यहाँ पर क्रिएट हो गया, नीचे लाइक ये नीचे देख लें, ठीक है। तो इसी तरह पेज आप मतलब जितने भी यूज़र या क्लाइंट के हिसाब से आप जितने पेज क्रिएट करना चाहते हैं, बेसिकली एक वेबसाइट के अंदर मिनिमम 4 to 5 पेजेस होते हैं, 1 पेज वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस तरह की बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम वेबसाइट यूज़ करते हैं वो तकरीबन 4 to 5 पेजेस के होते हैं, जिसमें होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस है, उनकी सर्विसेज हैं, उनका ब्लॉग्स का पेज है, तो इस तरह बहुत सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको यही चीज़ क्रिएट करना बतानी थी कि हम हाउ टू क्रिएट अ पेज ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो मज़ीद अगर किसी को कुछ इशू हो तो काइंडली अगर पूछ सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने क्या सीखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।